Thunder Deluge. As this is an improved form of mean distribution, and it is always find out with the help of सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट अगर हम एक्चुअल मीन निकाल लें ठीक है जी मीन क्या होता है सिग्मा एक्स बाय ये आया 90 डिवाइडेड बाय 10 90 एक्स में से मीन को घटाया एक्चुअल मीन है स्मॉल एक्स बन जाएगा ठीक है जी 95 ये आ गया 825 स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है अगर आपने एक्चुअल मीन से निकालना है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8250 डिवाइडेड बाय 10 यानी 825 का स्क्वायर रूट निकाल दोगे 28.7 ये था डायरेक्ट ज़्यादातर जो है वो शॉर्टकट से निकाल जिससे मर्जी निकाल दो डायरेक्ट से निकाल दो शॉर्ट आंसर सेम आता है आंसर क्या आता है सेम पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर बेस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर मैं आपको शॉर्ट कट बता रहा हूँ शॉर्ट कट इसमें से कुछ एज्यूम कर लो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी जैसे बीच में से एज्यूम कर लिया हमने अगर डायरेक्ट मीन निकला है बहुत अच्छा विद एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी जैसे 90 कर लिया माइनस 40 माइनस 40 एंड इसका स्क्वायर कर दिया इसमें फॉर्मूला होगा आपका सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी एक्स बाय एन का होल स्क्वायर
मैंने आपको सिर्फ आपकी इच्छा एंग्जाइटी को शांत किया कि जिस मर्जी मेथड से रिलेट आंसर सेम आता है. आंसर क्या आता है? स्पीड सीरीज में क्या होता है? एफ टी होता है. होता है होता है आपके पास. अब कोई प्रॉब्लम वाली बात सारे टाइप्स कवर कर रहा हूँ. इट इज नॉट पॉसिबल कि एक छुट्टी में 10 10 क्वेश्चन करा पाऊँ, ठीक है ना. मैंने टाइप सारे कवर कर दिए. आप कॉपी में नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्लस साथ में 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस कर दिए. बस बहुत है, मोर देन सफिशिएंट. डिस्क्रीट सीरीज के बाद हम करेंगे कॉन्टिन्यूस. जितने छोटी फिगर्स होंगी उतना कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है जी. जैसे कि कॉन्टिन्यूस
कितना x माइनस ए का आता है डी एक्स, जैसे कि हमने ले लिया 30 square माइनस एक्स माइनस बी प्लस देन डी एक्स का इंटरवल से डिवाइड कर दो। अब वही एफ डी एक्स डैश एफ से तो मल्टीप्लाई होने में फॉर्मूले वैसे ही बनते हैं। आई से डिवाइड करो, आई से मल्टीप्लाई करो, 80/30 कैलकुलेटर आपके पास है कोई दिक्कत नहीं।
निकालेंगे कंबाइंड मीन, तीन ग्रुप है n1 x1 माइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला होता है एन वन बी वन स्क्वायर एन टू बी टू स्क्वायर एन थ्री बी थ्री स्क्वायर प्लस एन वन स्टैंडर्ड डेविएशन वन का स्क्वायर एन टू स्टैंडर्ड डेविएशन टू का स्क्वायर कैलकुलेट तो होता है इसलिए दिक्कत कम है। एन वन है आपका 25 बी बाकी सारा सामान है आपके कैलकुलेटर। लगा दिया फॉर्मूला कहानी खत्म कर ली इसकी। दैट इज 19553 का इस्तेमाल है ठीक है जी। Pause the video, copy the
in the infrared wave. बहुत important है, बहुत आता है question. Correcting the incorrect. Arithmetic mean and standard deviation of 100 items was calculated to be 40 and 5. 40 and 5 respectively. Later on, it was discovered that an item was taken in place of. Find correct standard deviation and mean होता है summation of x divided by mean आया 40 summation of x n है आपका 100 यानी 4000 which is equal to incorrect sigma therefore correct sigma wrong item delete कर दो right item जोड़ 399. अगर हम standard deviation direct निकालें, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. Sigma x square minus n minus mean का whole square. 5 आया. Sigma x square by n minus mean. Squaring both sides. इसको भी करेक्ट करेंगे दोनों चीजें करेक्ट होंगी तभी तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा देयरफॉर करेक्ट सिग्मा माइनस रॉन्ग का होल स्क्वायर प्लस राइट का 16 therefore correct mean okay correct sigma x divided by n 169.9
equation of result. Sure. Against a stretch of 9 items. Points to be 43 and 5. Later on, it was discovered that an item 63, an item later on. Item 63 is added. Find out new mean and n is of add get replace. बार हमने एक आइटम जोड़ दी, 9 से आइटम में कितनी होगी 10. मीन है आपका 43. आइटम में है 9. इट मैक्स 387. दैट इज ओल्ड. इट इज इक्वल टू ओल्ड सिग्मा. Therefore, new sigma item में जोड़ दो 60. Therefore, new mean that is what 40. Standard deviation आया.
मैं दे देता हूँ इसका क्वेश्चन। होमवर्क में क्वेश्चन ले वो द अर्थमेटिक एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ 20 आइटम वर फाउंड टू बी at the time of checking it was found that an item eight is incorrect. Calculate mean and standard deviation if number one wrong item is omitted, हटा दो properly, ठीक है? तो item में घटके कितनी रह जाएगी 19. इसमें जब आप new mean निकालोगे that is 10.10 and new standard deviation जब निकालोगे that is 1.97. if it is replaced by 12, answer में new mean जो आएगा आपका 10.2 and the new standard deviation आएगा that is 1.9. ठीक है जी, ये होमवर्क में कर लेना बच्चे, आगे चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चैप्टर एंड की तरफ बढ़ रहा है अपने, ठीक है जी? Pause the video, pause the video and copy the answer. Coefficient of variation. This method is useful
then we have to compare the performance of two persons or two teams. Coefficient of variation ka formula hota hai standard deviation upon mean into 100. अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन निकालना था तभी ये निकाल पाओगे, ठीक है जी। क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स गिवन बिलो ऑब्टेन बाय टू स्टूडेंट्स by taking of the same course. Same course है तभी comparison हो सकता है, नहीं तो comparison नहीं आ सकता। Find out जिसमें variation कम होगा वही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। Find out who was the most consistent. Most consistent student. ध्यान से देखो, आपको standard deviation और mean आएगा तभी तो question solve हो पाएगा। जैसे x of a, x of b, कैलकुलेटर होता है इसमें दिक्कत। 10 ईयर जरूर करना है, 10 ईयर नहीं करेंगे तो फिर फंस जाएंगे आप। सारे टाइप्स मैंने कवर कर देने हैं। ए सीरीज का जो है 3 2 7 2 6 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना आएगी आपको पता है, मीन कितना आएगी 50।
standard deviation आ गया 11.7. इसका coefficient of variation of series that is standard deviation upon mean and so यानी इसकी परफॉर्मेंस में इतना डिक्लाइन आ सकता है ना. ऐसे बी की निकालेंगे, मीन निकालो पहले, डिवाइडेड बाय 10, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज मीन मैटर बाय मल्टीप्लिकेशन, ये ए का और ऊपर बी का लगेगा ठीक है ना. 4917 का जो है वेरिएशन आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 डिवाइडेड बाय 25.21%. तो ए में वेरिएशन कम है, ए में वेरिएशन कम है, बी में ज्यादा है. देयरफॉर A is more consistent because he has lower variation. Lower variation. Okay. Karo note. From the following data, which group is more uniform? Which group is more uniform?
A F frequency of A group A frequency of part number B.
65 point. में कम होता ज्यादा अच्छा. देयरफॉर ग्रुप बी इज मोर यूनिफॉर्म. ग्रुप बी इज पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. Analysis of the monthly wages paid to the worker of two factories A and B belonging to same industry. In an area, give the following. Number of workers $476,570 average monthly wage. $34,529 variance of distributional wage. वेरियंस दिया हुआ, वेरियंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का. हो कैलकुलेट विच फैक्ट्री पेड मोर वेजेस. In which factory there is a greater variability? As greater variability. What is the average weekly pay to all the workers?
सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 11th की मैथ्स की बुक चेक करोगे वहां पे भी ये दे रखा है, ठीक है जी। तो भुलाने की आवश्यकता पहला वेजेस पेड बाय फैक्ट्री 476 वर्कर्स हैं, पर वर्कर दिए जाते हैं 34.5 ये देती हैं रुपीज 16422 पर मंथ, और ये देते हैं ग्रेटर वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात है, सीवी ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये वेरिएंस है, वेरिएंस का रूट ये होगा 34.5 इनटू 100 यानी 14.49 स्टैंडर्ड डेविएशन द मोर मीन इन टू हंड्रेड का एवरेज है 28.5 16.78, therefore factory B has more variation. Third में क्या बोला है, average wage to all the workers, यानी कि अगर इनकी combined कर दी जाए तो pause the video and copy the answer. For distribution, coefficient of variation is 22.5. The value of arithmetic mean
is 7.5. Find the value of standard deviation. Because coefficient of variation, standard deviation of our mean, that is 22.5. 7.5. Sorry, standard deviation is not enough. Mean is 22.5, 7.5. That is standard deviation. Simply go either in here. 1.68. For a distribution, for a distribution coefficient of variation of two series is 60%. 80%. If standard deviation are 20 and 60, find their respective mean. Measure of dispersion. Yeah, variation एक ही बात है. जो quartile deviation होता है, that is 2/3 of standard deviation. And जो mean deviation होता है, 4/5 of standard deviation. ठीक है कि ऐसे ही जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, दैट इज 5/6 ऑफ मीन डेविएशन. क्वेश्चन आएगा, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज 25, फाइंड मीन डेविएशन.
जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन का रिलेशनशिप है वो ये वाला। एज वी नो मीन डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है मीन 1 से 5, तो मीन डेविएशन है कहता है इफ मीन डेविएशन इज 12 फाइंड वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मीन डेविएशन आपको कितना दे दिया है 12, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 15। देखो वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, तो जो वेरिएंस है वो हो गया 225। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो, ठीक है जी। अगला चैप्टर करेंगे स्क्यूनेस। रिवाइज करें इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना, या 10 रजिस्टर भर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टाइप सारे अच्छे से नोट है प्लस 10 ईयर कर लीजिए, दैट्स ऑल।